अफसर साहिब बंद करो, तन नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जिला परिषद का काम करना होगा। बिहार के गया शहर के जिला परिषद कार्यालय प्रांगण में जिला परिषद के सदस्यों ने विभाग में व्याप्त अफसरशाही के खिलाफ अनिश्चितकालीन महाधरना शुरू कर दिया है। इस दौरान जिला परिषद के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। साथ ही सदस्यों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के गया आगमन पर उनका घेराव करेंगे, साथ ही उनके समक्ष अपनी मांगों को भी रखेंगे। इस संबंध में जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने कहा कि विभाग में बड़े पैमाने पर अफसरशाही व्याप्त है। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपर कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, कनीय अभियंता सहित तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधियों को सहयोग नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, विभाग से संबंधित जिन संचिकाओं को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पास स्वीकृति हेतु लाना चाहिए वह भी नहीं लाई जाती है। मनमाने तरीके से संचिकाओं का निष्पादन किया जाता है। चुनाव के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी तरह की योजना क्षेत्र में नहीं दी गई। क्षेत्र में जाने पर स्थानीय जनता विकास को लेकर तरह तरह के सवाल करती है, जिस कारण हमें उनके विरोध का सामना करना पड़ता है। जिला परिषद के कर्मचारियों का स्थानांतरण न होने के कारण वे भी मनमानी पर उतारू है। कर्मचारी स्थानीय होने के कारण राजनीतिक दबाव देते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे कर्मियों का स्थानांतरण किया जाए, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी जगह पर नई बहाली की जाए, जनप्रतिनिधियों का भत्ता दिया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा महाधरना जारी रहेगा। वहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने कहा कि विभाग में पूरी तरह अफसरशाही व्याप्त है। विभाग के विभिन्न मतों का लाखों रुपए फंड में पड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारियों की अफसरशाही के कारण पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं और न ही किसी योजना को स्वीकृत किया जा रहा है। चुनाव हुए 11 माह से भी ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन विकास कार्य पूरी तरह बाधित है। अनिश्चितकालीन महाधरना के माध्यम से हम लोग ऐसे पदाधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वे अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं तो पूरे गया जिला में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, आगामी 28 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गया आगमन है, उस वक्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग जिला परिषद के सभी 46 सदस्य मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। इस महाधरना में जिला परिषद सदस्य कामेश्वर प्रसाद यादव, श्वेता यादव, राजेश रंजन, प्रेम कुमार, ज्योति पासवान, बिंदु यादव, कुंदन चौधरी, संतोष कुमार, सुरेश यादव सहित कई सदस्य शामिल हुए। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। जिला परिषद सदस्य काफी आक्रोशित है। क्षेत्र की जनता लगातार विकास के मुद्दे पर सदस्यों को सवाल जवाब कर रही है, जिसका कारण राज्य सरकार के द्वारा जिला परिषद के स्वतंत्र पदाधिकारी का नहीं रहना एवं कार्य संचालक की नीतियों का स्पष्ट नहीं होना आदि है। जिला परिषद गया के कार्यरत कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होने के कारण कर्मियों को निष्पूर्णता काफी बढ़ गई है, जिसका फलस्वरूप विकास कार्य का अन्य कार्य का काफी हो रहा है प्रभावित, तथा इन सभी का स्थानीय निवासी होने के कारण राजनीति से प्रभावित रहते हैं। अतः अनुरोध है कि जिला परिषद कर्मियों का स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। आज हम लोग 11 महीना हम लोग का चुनाव जीतला हो गया है, अभी तक इन लोग के कान में जू तक रेंगने का काम नहीं किया है। तो आप इस आज धरना के माध्यम से उन पदाधिकारियों के चेतावनी मैं देना चाहता हूं कि आप लोग आने वाला दिन में सुधर जाइए, और नहीं तो गया जिला में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हम करने जा रहे हैं, जिसका परिणाम यहां के जिला पदाधिकारी, यहां के DDC साहब, यहां के कमिश्नर साहब, यहां के SSP साहब सब लोग समझेंगे, और नहीं तो चुपचाप हम लोग का जो अधिकार है अधिकार को पूरा किया जाए, और जिला परिषद में जो 24 प्रखंड में विकास का काम अवरुद्ध पड़ा है उसको शीघ्र चालू किया जाए।